बच्चों, अब हम बक्सर के युद्ध के बारे में विस्तार से विवेचना करेंगे। ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को संपन्न हुआ और इस युद्ध से पूर्व हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा। प्लासी के युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेजों को विशेष सुविधाएं प्रदान की। अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया गया और एक नए शासक को गद्दी पर बिठाया गया, मीर जाफर के नाम से। मीर जाफर से जो है मनमाना राजस्व और उपहार वसूल किए जाने लगे। इससे उसका खजाना खाली हो गया। कंपनी के अधिकारियों ने मीर कासिम को गद्दी छोड़ने के लिए विवश कर दिया और उसके दामाद मीर जाफर को गद्दी छोड़ने के लिए विवश कर दिया और मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया। इसके बदले मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिलों की जमींदारी सौंप दी तथा उच्च अंग्रेज अधिकारियों को 29 लाख रुपए उपहार में दिए। तो ये जो बक्सर का युद्ध है, ये मीर कासिम के शासन काल में हुआ और मीर कासिम एक योग्य शासक था। उसने जो है अंग्रेज अधिकारियों के व्यापार पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। इसलिए उसने भारतीय व्यापारियों को निशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दे दी। इससे अंग्रेज अधिकारी नाराज हो गए क्योंकि इससे उनका विशेष अधिकार समाप्त हो गया था। इस व्यापारिक संघर्ष से पुनः ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी या मीर कासिम। इस प्रश्न पर दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। तो इस युद्ध के क्या क्या कारण रहे वो हम देखेंगे। मीर कासिम की योग्यता, फर्स्ट कारण ये माना जाता है मीर कासिम की योग्यता। मीर कासिम एक कुशल और योग्य शासक था। उसे प्रशासनिक अनुभव भी था। वह अंग्रेजों की अनाधिकारी चेष्टाओं से मुक्त होना चाहता था और स्वयं शासन करना चाहता था। दूसरा कारण जो माना जाता है, आर्थिक सुधार। बंगाल सूबे की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसने राजस्व और हिसाब विभाग का पुनर्गठन किया। जमींदारों से भू राजस्व की बकाया रकम वसूल की। धनी व्यक्तियों से भी पैसा वसूल किया। भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया। इससे अंग्रेज अधिकारियों की उन अधिकारियों को दंडित किया जिनकी अंग्रेज अधिकारियों से साठगांठ थी। अब बच्चों हम देखेंगे सैनिक सुधार। बक्सर के युद्ध का कारण सैनिक सुधार किस तरह बना। मीर कासिम, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वो योग्य शासक था और वो स्वयं स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था संचालित करना चाहता था। वो यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना का निर्माण करना चाहता था। इसके लिए उसने फ्रांसीसियों को नियुक्त किया। मुंगेर में अच्छी तोपों को बनवाने का एक कारखाना खोला। फिर हम देखते हैं राजधानी परिवर्तन। कलकत्ता के निकट होने के कारण मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का आसानी से हस्तक्षेप रहता था। इसलिए वो चाहता था कि अंग्रेज अधिकारियों का हस्तक्षेप न हो। इस हेतु उसने बिहार में मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये आप याद रखिएगा, वन वर्ड में क्वेश्चन आएगा आपके, एक शब्द वाला आंसर लिखना है इसमें कि वो कौन सा बंगाल का नवाब था जिसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। या ये भी आ सकता है बच्चों, इसको दूसरे शब्दों में कहें या प्रश्न बनाएं हम दूसरे शब्दों में, तो ये इस तरह भी बन सकता है कि जो है मीर कासिम द्वारा अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी। फिर अगला कारण है बच्चों, राम नारायण का मामला। ये राम नारायण कौन था? ये बिहार का नायब सूबेदार था और ये मीर कासिम के आदेशों की अवहेलना कर रहा था।
नवाब के बार बार कहने पर भी उसने राजस्व जमा नहीं करवाया था और वो पटना स्थित अंग्रेज अधिकारी उसका समर्थन कर रहे थे। मीर कासिम ने उसकी सारी संपत्ति जब्त की और उसे कैद किया। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया। अब हम देखेंगे इसका अगला कारण, अंग्रेजों का अनियमित व्यापार। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल सूबे में अंग्रेजों का अनियमित व्यापार बढ़ गया था। कंपनी के कर्मचारी ये मांग करने लगे थे कि उनके माल पर कोई चुंगी नहीं लगाया जाए। वे चुंगी अदा किए बिना ही व्यापार कर रहे थे। इससे भारतीय व्यापारियों को हानि हो रही थी। इसके अतिरिक्त कंपनी के नौकर गैर कानूनी ढंग से अपने भारतीय व्यापारी मित्रों को दस्तक बेच रहे थे। कंपनी भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल तो सस्ता बेचने के लिए और अंग्रेज माल को महंगा खरीदने पर विवश कर रही थी। इस अनियमित व्यापार को रोकने के लिए मीर कासिम ने जो है आदेश दिए। कंपनी ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की, किंतु मीर कासिम राजी नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे बंगाल का वास्तविक शासक होने का प्रश्न। जब कंपनी के द्वारा अनियमित रूप से व्यापार किया जा रहा था, मीर कासिम द्वारा हस्तक्षेप किया गया, तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है। मीर कासिम एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना चाहता था। अंग्रेज उसे कठपुतली शासक बनाए रखना चाहती थी, अतः दोनों में संघर्ष आवश्यक था। फिर बच्चों हम अगला जो है कारण देखेंगे इसका इसका जो तत्कालीन कारण बना, वो तत्कालीन कारण था कि पटना के अंग्रेज फैक्ट्री के प्रमुख एलिस ने नवाब के कार्यों में बाधा डाली। उसने अप्रसन्न होकर नवाब ने जो पटना का अधिकारी था एलिस, उसने अनेक कार्यों में हस्तक्षेप किया। इससे जो है नवाब ने उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए। एलिस ने पटना को लूट लिया। इस पर दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब बच्चों हम देखेंगे कि युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। तो जो है इस समय जब एलिस ने पटना को लूट लिया, तो मीर कासिम ने पटना पहुंचकर राम नारायण को फांसी दे दी। ये राम नारायण जो पहले भी इसका नाम आया है बच्चों, ये कौन था? ये जो है बंगाल का नायब सूबेदार था और अंग्रेजों के सहयोग से ये मीर कासिम के कार्यों में बाधा उपस्थित कर रहा था। फिर जो है उसने मीर कासिम ने पहले तो राम नारायण को फांसी दी, फिर बहुत सारे अंग्रेज सैनिक अधिकारियों का कत्ल करा दिया। फिर इसके पश्चात उसने मीर कासिम ने इलाहाबाद में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से के साथ मिलकर एक गठबंधन किया। इन दोनों ने आश्वासन दिया कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम का सहयोग करेंगे। अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंड्रो ने बक्सर के युद्ध में तीनों की सम्मिलित सेनाओं को हराया। मीर कासिम भाग गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब बच्चों हम देखेंगे बक्सर के युद्ध के परिणाम। हमने देखा कि इस युद्ध में मीर कासिम परास्त हुआ। दूसरी ओर जो अंग्रेज सेना थी, उसका सेनापतित्व कौन था? उसका सेनापति था हेक्टर मुंड्रो। इसके द्वारा मीर कासिम को हराया गया। मीर कासिम का सहयोग किसने दिया? इलाहाबाद में जो समझौता हुआ था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब द्वारा सहयोग किया गया। तो अब हम देखते हैं बक्सर के युद्ध के परिणाम। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट, बंगाल की दीवानी के अधिकार। क्लाइव ने इस समय तक जो है 1765 ईस्वी में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर भारत लौटा वापस। उसने मीर जाफर को पुनः गद्दी पर बिठाया, नवाब बनाया।
कंपनी और उसके अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें उपहार में ले ली। मीर जाफर की मृत्यु पर उसके बेटे नजमुद्दौला को गद्दी पर बिठाया और उसके साथ एक संधि पर दस्तक करवाए और 1767 ईस्वी तक क्लाइव भारत में रहा। तो पहला जो उसने परिणाम निकला इसका, बंगाल की दीवानी के अधिकार। क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि द्वारा शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे बंगाल सूबे पर कंपनी के नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई। भारत के सबसे समृद्ध सूबे का राजस्व उसके हाथों में आ गया। इसके बदले में उन्होंने शाह आलम को 26 लाख रुपए, कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए। क्लाइव ने उसे दिल्ली वापस आने जाने में सहायता का वचन दिया। ये उसने जो है शाह आलम द्वितीय से समझौते करके और बंगाल के दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। अब इसका जो दूसरा परिणाम निकला कि बंगाल के वास्तविक शासक अंग्रेज। इस युद्ध ने ये स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजी कंपनी को बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया जाए। अब बंगाल का नवाब उसके हाथ में कठपुतली बन गया। अब अगला परिणाम जो निकला, अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं हुई थी। बक्सर के युद्ध में उन्होंने 3 शासकों की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करके अपनी सेना की योग्यता को सिद्ध कर दिया। 3 शासक कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो बंगाल का मीका सिंह, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम और तीसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला। उन्होंने ये भी बता दिया कि भारतीय सेनाओं को आसानी के साथ परास्त किया जा सकता है। अवध के नवाब से 25 लाख रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में वसूल किए गए। उनसे एक संधि की गई। इसके अनुसार किसी बाहरी ताकत के अवध पर हमला करने की स्थिति में अंग्रेज सेना अवध की सहायता करेगी, किंतु इसका व्यय नवाब को उठाना पड़ेगा। इस संधि द्वारा अवध का नवाब अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के क्रम का आरंभ। बंगाल व अवध पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद शनि शनि कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, इस युद्ध में बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अंग्रेजों की ओर से युद्ध में भूमिका निभाई थी हेक्टर मुंड्रो ने। और इस युद्ध के जो जो कारण आपके समक्ष हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं बच्चों, मीर कासिम की योग्यता, आर्थिक सुधार, सैनिक सुधार, राजधानी परिवर्तन। किसने की राजधानी परिवर्तन? मीर कासिम द्वारा। सैनिक सुधार किसने किए? सैनिक सुधार में उसने क्या किया, फ्रांसीसियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया और उन्हें फ्रेंच यूरोपीय तर्ज पर सेना को अपनी सेना को प्रशिक्षित किया गया। रामनारायण कौन था? ये बंगाल का नायब सूबेदार था और ये राजस्व जमा कराने में आनाकानी कर रहा था। फिर हमने देखा कि अंग्रेजों ने अनियमित व्यापार प्रारंभ कर दिया था, बिना चुंगी के व्यापार चाहते थे। बंगाल का वास्तविक शासक कौन है? अंग्रेज ये देखना चाहते कि प्लासी का युद्ध में भी हम जीते लेकिन बंगाल के वास्तविक शासक अभी तक भी हम नहीं हैं, इसलिए संघर्ष प्रारंभ किया जाए। तत्कालीन कारण ये बना कि जो पटना का प्रमुख था एलिस, उसने सुल्तान के या नवाब के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। नवाब ने जो है पटना पर अधिकार कर लिया। अनेक अधिकारियों की हत्याएं कर दी गई और मुगल सम्राट से और अवध के सूबेदार से समझौता करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर देखेंगे हम कि इस युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ, मुगल सम्राट पराजित हुआ, अवध का नवाब पराजित हुआ। बंगाल की दीवानी के अधिकार जो है उसने शाह आलम से, शाह आलम कौन था? मुगल सम्राट।
से इलाहाबाद की संधि संपन्न कर ली अंग्रेजों ने और बंगाल की दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिया, अर्थात बंगाल बिहार के सूबे अपने अधिकार में ले लिए। ये स्पष्ट हो गया इलाहाबाद की संधि से कि बंगाल के वास्तविक शासक अंग्रेज रहेंगे। अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता स्थापित हो गई। किस तरह हुई कि तीन भारतीय शक्तियों को उनके द्वारा परास्त कर दिया गया। अवध पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया है कि जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसने भी कंपनी को 25 लाख रुपए युद्ध के हर जाने के रूप में देना स्वीकार कर लिया। और अगर किसी बाहरी ताकत से अवध पर किसी बाहरी ताकत का हमला होगा तो अंग्रेज अधिकारी उसे सैनिक सहायता देंगे। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का क्रम प्रारंभ हो गया। यहीं से ही कहा जाता है कि जो प्लासी के युद्ध में जो बीज बोया गया था वो बक्सर के युद्ध में वटवृक्ष के रूप में विकसित हुआ, और अंग्रेज साम्राज्य भारत में यहीं से प्रारंभ होता है। इस तरह से हमने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों युद्ध पढ़े।